असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा धीरे धीरे बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। अपने कड़क तेवरों और दो टूक बयानबाजी के कारण असम के सीएम की चर्चा पूरे देश में होती है। इस बार हिमंता बिस्वा के निशाने पर आए हैं वामपंथी इतिहासकार, जिन्हें असम के सीएम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सरमा ने वामपंथी इतिहासकारों पर भारतीय इतिहास को पराजय और समर्पण की कहानी बताकर उसे विकृत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि देश में इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है, क्योंकि वामपंथियों ने हमारे इतिहास को हमेशा विकृत करने की कोशिश की है। ये धाकड़ बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने उस वक्त दिया जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 28वें राज्य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, वामपंथी इतिहासकारों ने उन राजाओं और नायकों को नजरअंदाज किया जिन्होंने विरोध किया और मुगल हमलों को सफलतापूर्वक शिकस्त दी, और केवल उनके बारे में लिखा जो पराजित हुए थे। बिस्वा सरमा ने इस दौरान गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौड़ और लंचित बोरफुकान का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने मुगल सेनाओं के खिलाफ सफल अभियान चलाया था। बिस्वा सरमा ने दो टूक कहा, अब वक्त आ गया है कि इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए। हमें इतिहास के छात्रों को इसे फिर से लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो पराजय और गुलामी की कहानी ना हो बल्कि गौरव और उपलब्धि की कहानी हो। इससे हमारी नई पीढ़ी को देश निर्माण की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान गुस्से में दिखे हिमंता ने वामपंथी बुद्धिजीवियों पर असम के लोगों को भाषाई आधार पर बांटने का आरोप भी लगा डाला। हिमंता ने कहा, भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन ये किसी समुदाय और धर्म की इकलौती पहचान नहीं हो सकती, और इतिहास भी समान रूप से अहम भूमिकाएं निभाता है। भाषा तभी जीवित रहेगी जब हमारा धर्म और संस्कृति जीवित रहेगा। संबोधन के दौरान हिमंता ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी जोर दिया और कहा, एक समुदाय और सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक गौरव की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से प्रगति नहीं करते हैं तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दिया है। तो देखा आपने किस तरह से असम के सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की और साथ ही साथ वामपंथी इतिहासकारों को जमकर फटकार लगाई। वैसे आप हिमंता बिस्वा सरमा की बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।